हेलो दोस्तों, मैं रविंद्र। दोस्तों, मैं आपको आज मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी यानी कि बहुबुद्धि सिद्धांत, इसके बारे में बताऊंगा। क्या आपको पता है, हर कोई डॉक्टर नहीं बन सकता, हर कोई इंजीनियर नहीं बन सकता। अगर आपको एक सफल इंजीनियर बनना है तो आपके पास लॉजिक होना चाहिए, आपके पास इमेजिनेशन होना चाहिए, तभी आप एक सफल इंजीनियर बन सकते हो। अगर आपको एक अच्छा डॉक्टर बनना है तो कौन से स्किल की ज़रूरत है, अगर आपको एक सीए बनना है तो कौन से टाइप की इंटेलिजेंस की आपको ज़रूरत है। तो दोस्तों, उसी के बारे में आज मैं बात करूँगा। उस कॉन्सेप्ट को मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी कहते हैं और ये डॉक्टर हार्वर्ड गार्डनर ने डिस्कवर की है। तो उस थ्योरी के अंदर 8 टाइप के इंटेलिजेंसेस दिए हैं। तो मैं आज बात करूँगा 2 इंटेलिजेंसेस के बारे में, और मेरी जो आने वाली सीरीज है तो मैं हर वीडियो में 2-2 इंटेलिजेंसेस के बारे में बताऊंगा। तो दोस्तों, हम देखते हैं कि ये इंटेलिजेंसेस थ्योरी क्या है। तो दोस्तों, अगर हम देखेंगे इंटेलिजेंस, तो इंटेलिजेंस क्या होता है, तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई नेचुरल टैलेंट या इनबॉर्न टैलेंट होता है। तो अगर हम इंटेलिजेंस देखेंगे तो एक एबिलिटी है, कोई हमारे पास जो नॉलेज है और स्किल है उसको अप्लाई करने की। तो हर व्यक्ति में कोई ना कोई इंटेलिजेंस होता है, लेकिन बहुत लोगों को पता नहीं होता कि ये उनमें कौन सा इंटेलिजेंस है, या बहुत लोगों को पता है लेकिन वो उसको डिस्कवर नहीं कर पाते कि मेरे अंदर कौन सा टैलेंट है या इंटेलिजेंस है। तो दोस्तों, मैं आपको आज 2 इंटेलिजेंसेस के बारे में बताऊँगा। फर्स्ट है लॉजिकल इंटेलिजेंस। अगर हम लॉजिकल इंटेलिजेंस कहेंगे तो इसको हम हिंदी में कहते हैं कि तार्किक बुद्धि। मतलब ये जो लोग होते हैं जिनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है, मतलब दे आर गुड एट नंबर्स, उन लोगों को मतलब दे हैव द अंडरस्टैंडिंग ऑफ डिफरेंट थिंग्स एंड ऑल्सो दे नो द कोरिलेशन बिटवीन डिफरेंट आइडियाज, डिफरेंट एक्शंस, डिफरेंट थिंग्स, तो उनको वो पता होता है। अगर आपको एक अच्छा इंजीनियर बनना है या डॉक्टर बनना है तो आपके पास लॉजिकल इंटेलिजेंस होना बहुत ज़रूरी है। अगर हम देखेंगे कि जो लोग डिटेक्टिव है या जो लोग मैथमेटिशियंस है या इंजीनियर से, तो उनका लॉजिकल इंटेलिजेंस बहुत स्ट्रांग होता है। तो ये एक प्रॉब्लम सॉल्विंग की तरह वो इसको यूज़ करते हैं। तो ये हो गया दोस्तों पहला, लॉजिकल इंटेलिजेंस। दूसरा है लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, उसको हम भाषिक इंटेलिजेंस भी कहते हैं। मतलब भाषिक इंटेलिजेंस में क्या होता है, इन लोगों की जो लैंग्वेज है उस पर वो बहुत अच्छे तरीके से मतलब उसमें माहिर होते हैं। तो वो उसमें कैसे उसको एक्सप्रेस करते हैं लैंग्वेज को, तो वो अच्छा बोलते हैं। फॉर एग्जांपल, उनका वर्बल स्पीकिंग जो है वो बहुत अच्छा होता है, या फिर वो राइटिंग में बहुत अच्छा हो सकते हैं, या फिर उनका फेशियल एक्सप्रेशन बहुत अच्छा हो सकता है, या फिर उनका जेस्चर्स बहुत अच्छा हो सकता है। तो दोस्तों, ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस जिन लोगों का अच्छा होता है, अगर हम एग्जांपल देखेंगे तो कोई एक्टर्स है, ऑथर्स है, पोएट्स है, स्पीकर्स है, इन लोगों में ये लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस बहुत डोमिनेंट होता है। तो अगर ये दोस्तों हम देखेंगे ये दोनों इंटेलिजेंसेस, लॉजिकल प्लस योर लिंग्विस्टिक, तो ये दोनों हम मिलाएंगे तो उसके कॉन्सेप्ट बनते हैं, उसको IQ बोलते हैं, इंटेलिजेंस कोशेंट। और यही स्कूल्स है, कॉलेजेस है, तो IQ के बेसिस पे ही लोगों को हम जज करते हैं। लेकिन उसके अलावा बहुत सारे कॉन्सेप्ट है, जैसे EQ इमोशनल कोशेंट है, CQ है मतलब क्रिएटिव कोशेंट है, और AQ है, उसको एडवर्सिटी कोशेंट भी बोलते हैं। तो ये 2 इंटेलिजेंस जो मैंने आपके साथ अभी डिस्कस किए, उसके अलावा और 6 इंटेलिजेंसेस है कि उसके बारे में मैं मेरे अगले वीडियोज़ में बात करूँगा। तो दोस्तों, मैंने जैसे आपको बताया कि हर व्यक्ति में कोई ना कोई इंटेलिजेंस या कोई ना कोई टैलेंट होता है, लेकिन हम उसको मेजर कैसे कर सकते हैं। जैसे अभी ये हमें अगर लॉजिकल मेजर करना है या फिर लिंग्विस्टिक मेजर करना है, तो हमारे पास IQ टेस्ट है, डिफरेंट साइकोमेट्रिक टेस्ट है, उसके जरिए हम मेजर कर सकते हैं। लेकिन जो रिमेनिंग इंटेलिजेंसेस है या टैलेंट्स है, उसको हम कैसे मेजर कर सकते हैं, तो मैं ये मेरे आने वाले वीडियोज़ में आपको बताऊँगा। तो दोस्तों, ये मेरी मल्टीपल इंटेलिजेंसेस वीडियो सीरीज देखते रहिए, और अगर आपके पास कुछ इनसाइट्स है, आपका कुछ कमेंट्स है, तो आप ज़रूर शेयर कीजिए दोस्तों। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।